बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टोरेज के बारे में बताऊंगी कि स्टोरेज क्या है और कौन कौन सी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोरेज क्या है। स्टोरेज आल्सो रेफर्ड एज मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। इट कैन सेव डिजिटल डाटा ऑन रैम, हार्ड डिस्क और रिमूवेबल मेमोरी। स्टोरेज क्या है? आपकी मेमोरी है जिसमें जो किस लिए यूज होती है, आपके कंप्यूटर में डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने स्टोर करना चाहते हैं, आप अपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज के लिए रखना चाहते हैं, तो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस का होना जरूरी है। अगर आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है तो आप उनको अपने डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको डाटा स्टोर करना है तो आपको स्टोरेज की जरूरत होती है। जितनी भी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन पे डाटा आपका डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, यानी जीरो और वन की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस की सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो आपके कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क है। आप देखें, आप कोई भी फाइल बनाते हैं, कोई भी गाना स्टोर करना चाहते हैं, कोई भी ड्रामा, कोई भी फिल्म रखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसे अपने हार्ड डिस्क पे स्टोर कर लेते हैं। और आप वो स्टोर किस लिए करते हैं, ताकि आप अगर बाद में भी इस चीज़ को देखना चाहें, अगर आप दोबारा से उस मूवी को प्ले करना चाहें, तो आप उसको क्या कर सकें, वहाँ से जाके प्ले कर सकें। तो स्टोरेज क्या है? आपकी मेमोरी है जहाँ पे आप अपने डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं। स्टोरेज की टाइप्स कितनी है अब हम देखते हैं। हमारे पास देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। हमारे पास कंप्यूटर स्टोरेज की दो मेन कैटेगरीज हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है मैग्नेट और दूसरी ऑप्टिकल। स्टोरेज डिवाइसेस अब हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। ये हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो परमानेंटली आपके डेटा और प्रोग्राम्स को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं आपके कंप्यूटर में। डिफरेंट फ्रॉम रैम। रैम से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि रैम में आपके जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस हैं वो टेम्पररी स्टोर होती हैं, यानी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है आपकी डाटा और इंस्ट्रक्शंस आपकी रैम में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होता है तो आपके वहां से डाटा क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जबकि स्टोरेज डिवाइसेस में आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो आपका डाटा वहीं पे रहता है। मैग्नेटिक स्टोरेज सबसे पहले हमने कैटेगरी देखी थी। मैग्नेटिक स्टोरेज फ्लॉपी एंड हार्ड ड्राइव्स, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, टेप्स आर द कैटेगरीज ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज। यूजेज अ मैग्नेट टू एक्सेस डाटा। अगर ये जितनी भी आपके सामने मैंने नाम लिए हैं, फ्लॉपी, हार्ड ड्राइव का, हार्ड डिस्क का, वीडियो और ऑडियो कैसेट्स का, ये आपके मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है। अब अगर आपने इन पे कोई भी डाटा रीड या राइट करवाना है, डाटा को एक्सेस करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक स्टोरेज है, यानी ऐसी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जहाँ पे मैग्नेट को यूज किया जाता है फॉर डाटा रीडिंग और राइटिंग। दूसरी कैटेगरी हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज की आती है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिफरेंट मीडिया फॉल करता है, लाइक सीडी, डीवीडी आपके ऑप्टिकल स्टोरेज में आती हैं। अगर आपने सीडी और डीवीडी पे कोई भी डाटा रीड या राइट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। यूजेज अ लेजर टू एक्सेस डाटा, यानी आपने कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो आप किस तरह करेंगे, लेजर के थ्रू करेंगे। इस तरह हमने क्या देखा, स्टोरेज डिवाइसेस की दो कैटेगरीज को देखा, मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पता चल गया होगा कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।